गाइज आज की वीडियो में मैं बात करूंगा मेरी ही पिछली वीडियो के बारे में जो थी तरुण गिल एंड स्टेरॉइड्स के ऊपर। हाँ मेरी यही बॉडी है, गौर से देख लो और मजाक बनाना है। सो उस वीडियो के बाद काफी लोग के ओपिनियन जो है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म हो रहे हैं। इवन तरुण गिल का भी हमें रिप्लाई आया है जिसके ऊपर मुझे फिर से रिप्लाई देना जरूरी है। सो सबसे पहली बात तो लोगों ने कहा है कि मैंने बॉडी शेम करी उस वीडियो में तरुण गिल के बबलों पे। बबले बोले तो मैन बूब्स, जो कि हाँ मैंने करी है क्योंकि मुझे लगता है वो फनी है। अब वो है सीरियस भाई, सीरियस बात करेंगे ठीक है, ये सारी चीजें हटाओ। हाँ भाई नहीं करनी चाहिए किसी को बॉडी शेम, लेकिन देखो ये आ गए हम तरुण गिल की प्रोफाइल पे एंड यू कैन सी भाई इन्होंने भर भर के ये सारी वीडियोस डाल रखी हैं जिसमें हाईलाइट हो रहे हैं इनके मैन बूब्स। इन वीडियोस में आके ये कर रहे हैं लोगों को मैनिपुलेट, जो चीज मुझे देख के अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया था और इसमें इनके ऊपर जोक्स मारे थे। सो ये रहा वीडियो डार्क साइड ऑफ स्टेरॉइड्स। सो देन इसके ऊपर तरुण गिल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से मुझे मिला रिप्लाई। इसके साथ साथ इन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे, मेरे भाई को इनकी वाइफ ने इंस्टाग्राम पे और मुझे इनकी वाइफ ने इंस्टाग्राम पे काफी सारे मैसेजेस लिखे हैं बड़े बड़े, जिनके अंदर चीजें मेंशन थी कि तुमने मेरे हस्बैंड की हेल्थ का मजाक उड़ाया, हमारे साथ अनहोनी हुई है, तुम उस चीज का मजाक उड़ा रहे हो अपनी वीडियो में आके। उम्मीद करते हैं कि कल को तुम्हारे घर पे किसी के या फिर तुम्हारे साथ ऐसा ना हो जाए, तुम्हारी मम्मी के साथ ऐसा ना हो जाए, उनकी हेल्थ खराब ना हो जाए। टेक्स्ट मैसेजेस मैं किसी के नहीं दिखाऊंगा, सब प्राइवेट चीजें तो प्राइवेट रखनी पसंद करूंगा मैं। देखिए जी सबसे पहले तो जो भी तरुण गिल जी की वाइफ है या तरुण गिल जी है, देखिए मैं कभी ये नहीं चाहता था कि तुम बीमार हो, तुम्हारे साथ शायद जो भी अजीब चीजें हुई है वो मैंने कभी नहीं चाहिए कि वो हो, वो खुद से हुई है। अब आप बोलोगे कि मैं उसका आगे मजाक उड़ा रहा हूँ, तुम मौका क्यों दे रहे हो, तुम अपने YouTube चैनल पे, तुम अपने Instagram पे आके जब वो चीजें दिखा रहे हो, क्या चीजें दिखा रहे हो, ये सब एक वीडियो में नहीं, अगर किसी के साथ कुछ गलत हुआ है, किसी की किडनी फेल हुई है, ये था तुम ना के बता दिया जी, ठीक है तुम्हारे साथ गलत हुआ है, लोगों को पता लग गया, लोगों ने सिंपैथी दे दी, एक वीडियो हो गया, दो हो गए, तीन हो गए, चार हो गए, छह हो गए, सात हो गए, ये तो अलग है, इसमें भी चलो बबले नहीं दिख रहे इनके, आठ हो गए, नौ हो गए जी, दस हो गए, ग्यारह हो गए, सोलह हो गए, ऐसे ही भरे पड़े हैं वीडियोस। तो तुम्हारी हेल्थ खराब हुई है, तुम्हें अवेयरनेस फैलानी है तो ठीक तरीके से फैला लो ना, तुम्हें उसमें भी ये क्यों सोचना है कि मैं इस तरह से अगर ये चीजें करूंगा तो ज्यादा व्यूज आएंगे, ज्यादा मैं पैसे कमा पाऊंगा। धीरू आई डोंट नो यू ब्रदर। अच्छा जी तो तुमने फिर मुझे जब मैंने तुम पे पहले वीडियो बनाया था तब इंस्टाग्राम पे मैसेजेस क्यों करे थे, मैसेजेस करे थे या स्टोरी में टैग करा था, ऐसा कुछ था तो नहीं जानते तो वो क्यों करा था भैया आपने। एंड आई हैव नेवर कमेंटेड ऑन योर प्रीवियस वीडियो, एक्चुअली आई नेवर कमेंटेड ऑन योर एनी वीडियो, बट दिस टाइम यू आर मेकिंग फन ऑफ माई मिजरी एंड बट अबाउट मी एंड माई फैमिली वेंट गोइंग थ्रू, ऑलवेज होप यू ऑल हैड अ गुड लाफ बाय डूइंग व्हाटएवर इट वाज, गॉड ब्लेस। सबसे पहले तो जी देखो, हाँ मुझे तुम्हारी हेल्थ का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था, ये मैं मानता हूँ, और मैं कभी नहीं चाहता तुम या तुम्हारी फैमिली किसी भी गलत चीज से गुजरे, बट ये जो तुम चीज अब सोच रहे हो, क्या ये दो साल पहले तुमने ये चीज सोची थी जब तुम आके लोगों को अपनी वीडियो से गलत इन्फ्लुएंस कर रहे थे, गलत गलत चीजें बता रहे थे, स्टेरॉइड्स लेने पे लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे थे, प्रोटीन में दारू मिला के पियो भाई, बढ़िया गेन्स आएंगे। मैं तुमसे कह नहीं रहा हूँ कि तुम्हें पीने हैं, लेकिन आएंगे जब ये सारी चीजें तुम बता रहे थे। बॉडी बिल्डिंग के बादशाह आर्नोल्ड ये चीज कहते हैं, हम तो जी पी रहे हैं, हमारी बॉडी भी बढ़िया बन रही है, तुम देख सकते हो। जब तुम ये सारी चीजें आके बता रहे थे तब नहीं लगा तुम्हें कि शायद ये सब चीजें कोई करेगा तो वो और उसकी फैमिली भी गलत चीजों से गुजर सकती है। तुमने अपने कोर्सेज बेचे थे लोगों को ये कह के कि तुम मैगी खा के बॉडी बना सकते हो, दिखा दिखा के लोगों को, जबकि तुम उस टाइम पे स्टेरॉइड्स यूज कर रहे थे एंड तुम्हारी बॉडी की कंडीशन बहुत अच्छी निकल के आ रही थी, जो देख के लोग तुम्हारा कोर्स खरीद रहे थे। देखो मैगी खाने से कोई बीमार नहीं पड़ रहा है, मुझे भी पता है, दारू पीने से भी किसी का कुछ गलत नहीं हो रहा है शायद प्रोटीन में मिला के पीने से शायद नहीं हो रहा होगा, अंटिल की जो उसका प्रोटीन है वो बहुत अच्छी कंपनी का है। अब हो सकता है प्रोटीन गलत हो, उसमें अल्कोहल मिक्स होके गड़बड़ हो जाए, डाइजेशन इश्यूज हो जाए, तबियत खराब हो जाए बेचारे की, फैमिली उसकी परेशान हो जाए, क्यों तरुण जी। एंड कोर्स की जब मैं बात कर ही रहा हूँ, अभी का तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन जिस टाइम पे इन्होंने अपना कोर्स सेल करना शुरू किया था ना, तब लोगों की इतनी कंप्लेंट्स आई थी कि भाई ये जो कोर्स बेच दे रहे हैं बाद में लोगों की हेल्प नहीं कर रहे हैं, रिवॉर्ड नहीं कर रहे हैं उनको। जैसे ये जो कोर्सेज बेचते हैं ना बॉडी बिल्डर लोग, तो इनको
बाद में जो उनके क्लाइंट होते हैं उनसे बात करनी पड़ती है रेगुलर, उनकी अपडेट लेनी पड़ती है किस तरह से बॉडी उनकी है, किस तरह से उन्हें डाइट करनी चाहिए, ठीक है। और तरुण गिल की साइड से उनके क्लाइंट्स को वो चीज नहीं मिल रही थी पैसे देने के बाद भी। बट ये सारे कर्म कांड करने के बाद तरुण जी को एक दिन अचानक से याद आता है कि नहीं, ये सब गलत हो रही है। शायद वो तब आया होगा जब इनकी तबीयत खराब हुई होगी या इनके साथ कुछ गलत हुआ होगा, जिसको लेकर मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। इस वीडियो में भी अगर मैं जोक मार रहा था तो मैं ये सोच के नहीं मार रहा था कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ तो वो चीज का मुझे मजा आ रहा है। नहीं भाई, तुम्हारे लिए किसी के लिए कभी नहीं आता मुझे ऐसे। बकचोदी काट के लोगों को हंसाना मेरा काम है, मैं हमेशा करता हूँ, आगे भी करूंगा। इस वीडियो में नहीं कर रहा क्योंकि मन नहीं है। बाकी तरुण भाई दूध के 1000 रुपए लीटर दिया है बताया नहीं तुमने टेक्स्ट में मुझे, पूछता रह गया मैं तो वीडियो में। हाँ तो बात आती है जरा बॉडी शेमिंग पे, तो भाई बॉडी शेमिंग मैं कर रहा हूँ, तुम करने का मौका दे रहे हो, नहीं करनी चाहिए मुझे लेकिन मैंने कर दी। तुम इतनी गलतियां करे बैठे हो तो मैंने सोचा मैं भी ये कर देता हूँ। अब अच्छे खासे वेल ग्रोन अप मैन है जो कि अपने आगे खुद मैन बूब्स दिखाने की लोगों को ताकत रखते हैं, तो मैंने सोचा आपके अंदर इतनी ताकत तो होगी ही कि मैं अगर उस पे 2-4 जोक मार दूंगा तो आप वो सह लेंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सोच के इस मेंटेलिटी से मैंने कह दिया था कि तरुण भाई दूध 1000 रुपए लीटर दिया है, क्या इन बबलों में से दूध निकलता है, ब्रा क्या नंबर की लगेगी तुम्हें, जो कि बेसिक जोक थे जो कि तुम्हारे कमेंट सेक्शन में भी थे, वहीं से उठा के मैंने बोल दिए थे। एक्चुअली मैं रीड कर रहा था कमेंट्स उस टाइम पे तो, बट हाँ बोले मैंने ही थे। अब देखो तरुण जी, अगर तुम अपनी वीडियो में आके अपनी मिजरी कष्ट को बता के फेम ले सकते हो, मोनेटाइज कर सकते हो उस चीज को, इंटरनेट पे डाल सकते हो, तो मैं उसके बारे क्यों बात नहीं कर सकता, क्यों मैं वो चीज को उठा के उसके बारे 4 जोक बना के उसमें उसको लेके अवेयरनेस नहीं फैला सकता। हाँ मैं बिना जोक मारे वो चीज कर सकता था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे चैनल पे वो चलती ही नहीं, फिर लोग देखते ही नहीं मेरे चैनल पे उसे, जो मेरी ऑडियंस है उस तक वो अवेयरनेस फैलती ही नहीं कि स्टेरॉइड्स यूज नहीं करना है, उसको यूज करने पे क्या हो सकता है, मुझे ऐसा लगा था। और जो कि सच बात है ब्रो, शायद इट्स नॉट अ जोक ब्रो, इट्स अ सीरियस टॉपिक टू अवेयर पीपल व्हाट इज रॉन्ग और राइट मेकिंग जोक ऑफ सीरियस टॉपिक, आफ्टर ऑल ही एक्सेप्ट हिज मिस्टेक। हां भाई एक्सेप्ट कर ली उसने अपनी मिस्टेक, लेकिन उसकी मिस्टेक की वजह से कितनी सारी चीजें गड़बड़ हुई है, कितने सारे लोगों का ब्रेन वॉश हुआ होगा, कितने सारे लॉन्डों ने भाई मैगी खा के बॉडी बनाने की जिद डाल दी होगी, एंड जब उनको पता लगा होगा कि भाई स्टेरॉइड लेंगे तो वो कुछ भी खा के बॉडी बना सकते हैं, तो कितने सारे लोगों ने लेना शुरू कर दिया होगा कि भाई हम क्यों कर रहे हैं भाई डाइट बढ़िया से, हम तो भाई ठोकते हैं इंजेक्शन और खाते हैं कुछ भी, बनी जाएगी फिर तो, जाके वजन उठाना कुछ भी खाना बन गई बॉडी, उनके दिमाग में भी तो आई होगी ना ये चीज, तब नहीं तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि तरुण गिल क्या कर रहा है। और भाइयों देखो तरुण जी आप भी सुन लीजिए, किसी और को समझ में आ रहा हो नहीं आ रहा हो, मुझे बड़े अच्छे से आ रहा है कि आप सिंपैथी बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, पर मैं नहीं दूंगा। बाकी आपके साथ कुछ बुरा ना हो, मैं ये चाहता हूँ आपकी जो हेल्थ है वो बहुत जल्दी अच्छी हो जाए, और आप बकचोदी काटो और अच्छी अच्छी बकचोदी काटो, मैं ये चाहता हूँ। एंड आपकी वाइफ जैसे कह रही थी कि आपके हस्बैंड की हेल्थ की मैं मजाक उड़ा रहा हूँ, जी आप बहुत एजुकेटेड होंगी, जब ये स्टेरॉइड्स चल रहे थे इनके, जब इनकी साइकिल वगैरह इंजेक्शन वगैरह लग रहे थे, तब आपको सोचना चाहिए था, इन्हें अवेयर करना चाहिए था, हो सकता आपने किया होगा, लेकिन फिर भी आपको आपकी फैमिली को पता होना चाहिए था जिस टाइम पे ये स्टेरॉइड्स यूज कर रहे थे कि इनके साथ कल को जाके क्या हो सकता है, किस हद तक चीजें जा सकती हैं। अभी आपकी हेल्थ अच्छी है जो कि बहुत अच्छी बात है, बुरी चीजों से बचे हैं तो उसके लिए थैंकफुल रहिए। बाकी मुझे ये कहो कि आप मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था, क्यों नहीं उड़ाना चाहिए था, आप अभी आके जो वीडियोस डाल रहे हो उनसे भी मजाक ही उड़ा रहे हैं लोग, समझ रहे हैं लोग, तुम्हारा साथ दे रहे हैं जो कि तुम्हें अच्छा लग रहा होगा, जो कि अच्छी बात है, लेकिन हेट लव दोनों साथ आते हैं, आपके लिए हो या मेरे लिए हो, किसी के भी लिए हो। ये बात मैंने इसलिए आके बोली है जिससे कि तुम्हें अगर पता ना हो, बाई चांस 1% भी तुम ये जो वीडियोस पोस्ट कर रहे हो इनको पोस्ट करने में तुम्हारी ये इंटेंशन ना हो कि तुम लोगों को ब्रेन वॉश कर पाओ, सिंपैथी ले पाओ, तो उसको सोच के मैं ये बात यहाँ पे बोल रहा हूँ, वरना ये बात बोलने की भी जरूरत नहीं लग रही थी मुझे, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है व्हाई आर यू डूइंग ऑल दिस शिट, और अभी तुम्हारी पता नहीं कब तक चलेगी। एंड सब चीज से हटके अब मैं तुम्हें अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि इतना सब कुछ होने के बाद तुमने फाइनली डिसाइड करा कि मैं अपनी कहानी आगे लोगों को बताऊंगा, कि अगर कल मुझे देख के कोई कुछ गलत सीखा है तो आज मेरी इस स्टोरी से सही भी सीख जाए, जिसके लिए मैं तुम्हें अप्रिशिएट करता हूँ। ये बात मुझे शायद मेरी पिछली वीडियो में भी बोलनी चाहिए थी बट मैंने नहीं बोली, लेकिन मैं तुमसे एक और चीज कहना चाहता हूँ कि देखो अब अगर तुम सही राह पे चल ही रहे हो, स्टेरॉइड्स को प्रमोट नहीं करना चाहते हो, ड्रग को प्रमोट नहीं करना चाहते हो इस बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में, तो तुम आगे से जिस भी एथलीट का इंटरव्यू लो
दो या फिर जिसे भी अपने चैनल के अपने इंस्टाग्राम हैंडल के थ्रू दिखाओ, तो ऑडियंस को अगर तुम ये बता दोगे कि ये स्टेरॉइड यूजर है या फिर नेचुरल है, तो वो बहुत अच्छी चीज होगी, क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी पता है कि किस तरह से लोग ड्रग्स यूज करके बॉडी अपनी अच्छी बना लेते हैं, देन खुद को नेचुरल क्लेम करते हैं एंड लोगों की एक्सपेक्टेशन हाई करते हैं, जो कि गलत है। एंड ये चीज करके वो अपने कोर्सेज बेचते हैं, बहुत सारे सप्लीमेंट्स बेचते हैं, जो कि तुमने भी ऑलरेडी करी है वो चीजें। तो मैं बस ये चाहता हूँ कि अगर तुम इतना ट्रांसपेरेंट हो गए हो अपनी ऑडियंस के साथ, तो ये ट्रांसपेरेंसी आगे भी बनाए रखो और लोगों को सही चीजें गाइड करते रहो। जो भी तुमने अभी पिछले 2 सालों में गड़बड़ करी है, वो चीजें सुधारने की कोशिश कर लो बस। बाकी मुझे ये सारी बात बतानी इतनी जरूरी लगी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने बोली है, क्योंकि आजकल लोगों को हर एक चीज बोलनी पड़ती है। तुम्हें नहीं, लेकिन जो ऑडियंस देख रही है उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो ऐसा लगता है जिनको कि मेरी इंटेंशन गलत होती है वीडियो बनाने पे, तो उनके लिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ ये सारी चीजें कि नहीं, कभी नहीं होती है ना कभी होगी, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं मजाक में जो चीज बोल के जितनी समझा सकता हूँ शायद लोग उतनी समझ जाएंगे। बाकी अगर ऐसा है कि मैं कुछ भी आगे समझाऊं, कुछ भी आगे बोलूं, तो तुम वो भी समझ जाओगे, तो मैं नॉर्मल भी समझा सकता हूँ भाई। मेरे लिए तो और इजी है ना, बैठ के जोक नहीं लिखने पड़ेंगे, मेहनत कम लगेगी, समझ रहे हो। बाकी काफी सारे लोगों का कहना है कि भाई स्टेरॉइड प्रमोट करने से नहीं, गैम्बलिंग ऐप प्रमोट करने से अच्छा तो यही है ना कि स्टेरॉइड प्रमोट कर दे कोई इंसान। हाँ भाई, गैम्बलिंग ऐप से तो थोड़े से पैसे ही जाएंगे इंसान के, थोड़े क्या चल ज्यादा चले जाएंगे। स्टेरॉइड से ज्यादा ज्यादा क्या होगा भाई, किडनी फेल हो जाएगी, जान चली जाएगी इंसान की, इससे थोड़ी कुछ होगा। वैसे जान तो भाई बैटिंग ऐप भी यूज करेगा, वो उनने घर सट्टे पे लगा दिया तो भी जा सकती है, ठीक है। लेकिन भाई अगर मैं बैटिंग ऐप प्रमोट नहीं करूंगा तो बाकी लोग नहीं करेंगे क्या? अब जिसे खेलना है, जिसे दारू पीनी है, वो मेरे ठेके से जाके ले या फिर किसी और से ले, उसे तो पीनी है ना। तो मैं बता दिया कि इससे जरूरी नहीं है कि तुम्हें फायदा होगा ही, तुम पैसे कमा ही सकते हो। मुझे नहीं लगता कि उसके आगे भी कुछ बोलना चाहिए मुझे, मतलब गलत है, गलत चीज है ब्रो। हाँ, नहीं करनी चाहिए प्रमोट, लेकिन मेरी ये वीडियोस बनाने में, ये इतने सारे इक्विपमेंट्स यूज करने में, टीम को चलाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं बाबे। जो मेरे यूट्यूब की वीडियोस हैं वो काफी ज्यादा डीमोनेटाइज हो जाती हैं, जिनसे मैं उतने पैसे नहीं बना पाता, तो उसके लिए मुझे करना पड़ता है। यस, अच्छी अच्छी ब्रांड है आजकल कम है यूट्यूब पे, तो करनी पड़ती है। आएंगी अच्छी अच्छी तो वो भी करेंगे, फिर ये बैटिंग ऐप क्यों ही करेंगे ब्रो, ठीक है। बाकी तुम मत करा करो डाउनलोड भाई, मैं तो कह के जाता हूँ बीच बीच वीडियो में, कह के जाता हूँ। ये जो नई ऑडियंस आती है ये थोड़ी समझ नहीं पाती है बातों को, तो तुम्हारे लिए मैं बोलिए, मैं अक्सर बोलता रहूँगा, मजे करो, ठीक है तरुण भाई। बाकी दूध खैर पे लीटर दिया है। बता दो।